छोटे वाला मर गया है। आप तो ठीक बोल रहे हैं, हमारे को पहुंच गए। हां पहुंच गए, आपने दिया हमको, पहुंच गए। नहीं नहीं पहुंच गए, पहुंच गए हमारे को, पहुंच गए हमारे को। ये बड़ा यहां पहुंच जाते हैं, मुक्के ऊपर आवाज आ रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, घाटी दे रहे हैं। प्रशासन को लग रहा नहीं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं आदमी, ऐसे ऐसे नुकसान हो रहा है। तो मैं इनकी दवाई ले आऊंगा, ठीक है? दवाई तो ठीक है, नुकसान हो रहा है बीमारी की वजह से। हमारे को इतना पता नहीं लगता क्या कौन सी बीमारी लग रही है। अभी बच्चे बहुत मर रहे हैं, अभी ऐसे बड़े नग, कोई 20 नग बड़े मर गए, ऐसे 20-30 नग बच्चे तो खत्म ही है सारे। देख रहे हैं आप टाइम के लिए आप पहुँच जा रहे हैं, यही बात अब बहुत है हमको। कोई यार नहीं, डॉक्टर नहीं यहाँ, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं। प्राइवेट कितनी दवाई खरीदे गए हम, खुद खरीद रहे हो? खुद खरीद रहे हो, वहाँ से ला रहे हमारे स्टोर से। कितनी दवाई दे रहे गए हम, वो डॉक्टर आओ ना यहाँ तब पता लगे ना, यहाँ बीमारी को चेक करो, देखो दवाई दो हमारे को, वो तो कोई दे नहीं रहा है। हमने कितना इनको पूरा करना खरीद खरीद के, हम तो इसको बेच नहीं सकते हैं। बेचना क्यों, इसको बेचेंगे तो गांव में सभी को पता बीमारी लग रही है, वो सभी डांग पकड़ेंगे हमारे को। 6-7 नीचे पड़ी है नीचे नाले में, उनको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं, फिर क्या करना है, कहाँ डालना है इनको। भेड़ का बच्चा है जो मर गया है रात को। पिछले 5 दिनों में इनकी 2 बड़ी बकरियां और मर गई हैं, है ना? हाँ जी। और मेमने तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, कोई पता नहीं है कितने का। हाँ, वो तो काउंट भी नहीं किए इन्होंने, इतने ज़्यादा मर रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल पे फैल गई, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, यही इनकी रोजी रोटी है। अब अगर यही भेड़ बकरियां नहीं बचेंगी तो कैसे चलेगा इनका घर? ये जो बच्चे हैं ये घर से इनके लिए खाना ले आए हैं। अभी इनको यहाँ पे सांप की पूंछ दिखाई दी, नीचे को चला गया शायद, अब दिखाई नहीं दे रहा है। बीमार माल है ना, 50-60 नग वो चल नहीं पाती है। 1 किलोमीटर दूर छोड़े के आए उनको, आस्ते आस्ते ले गए, सुबह वो शाम को करेंगे उनको इकट्ठे। ये 3 साल का कुत्ता है, घर में पाला था छोटा सा 1 साल तक का। उसके बाद फिर माल के पास लाए हम, उसके बाद घर को जाता नहीं है। सैल होती है सैल सुबह वाली, वो उसने बिन दिया था। ये पौचे जो है मुँह में कंडे लगे थे, उसको कंडे सुखाने पड़े। फिर एक पत्थर फेंका इन्होंने और नीचे चले गए। गार्डिंग के एक नंबर करता है ये। अभी भेड़ बकरियां आराम कर रही हैं, 1 बजे तक यहीं रहेंगी ये। और वो पानी ले आए नीचे से अभी, और ये चाय रेडी हो गई। बकरी का दूध बेचा है आपने कभी? ना, हमने नहीं बेचा। महंगा बिकता है ना? बिकता महंगा, हमने नहीं बेचा कभी भी। कई बीमारियों के लिए ठीक होता है ना? बहुत ज़्यादा। बकरी का दूध है कच्चा। अच्छा अच्छा, घर में बैठ के भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी इन जंगलों में मैं डेली जा रहा हूँ, मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभा रहा हूँ। कुछ रुपए भी देने चाहे लेकिन इन्होंने नहीं लिए, ईमानदार लोग हैं ये। इतनी ज़्यादा तंगी में है, फिर भी जितनी मेरे से हो पा रही थी हेल्प मैंने करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 7 बजे हमने छोड़ दिए बन को, जंगल को। 11 बजे पहुँचे हम जंगल से डेरे में, सुबह खाना खुना खाया। अब हम फिर जा रहे हैं जंगल को इनको ले के। 1 बजे 5:30 बजे पहुँच गए। तब आके फिर खाना बनाए गए, बच्चों को पिलाए गए, दवाई लाए गए, माल को जेड़ा लंगड़ा उनको दवाई दुई लाए गए, तभी खाने की बारी आएगी। फिर 100 कितने बजे जाते हो आप? 100 तो 10-11 बजे आते हैं सोते ही। इसके अंदर इन भेड़ के बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया है। बीच बीच में ऐसे ऐसे होल हैं, हवा आती रहती है। डॉग्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और भेड़ बकरियाँ भी रेस्ट कर रही हैं। ये जो मेरे पीछे बकरी आप देख रहे हो, सुबह से ये यहीं पे ही है, अपने मेमने के पास ही इसका मेमना बैठा है। इनके जो डॉग्स हैं वो यहाँ पे घूम रहे थे तो भगा रही थी उनको।
भेड़ बकरियों को ले आए ये चराने के लिए। मैं भी अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे रास्ते हैं देखिए। ये देखिए रास्ता, ऐसे चलना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी टफ ज़िंदगी होती है। ये देखिए इतनी झाड़ियाँ हैं। अभी मैं गिर गया था, वहाँ से आते आते मेरे शूज़ यहाँ पे स्किट हो गए और सीधे यहाँ गिर गया मैं। अभी चलते हैं आगे, बहुत फिसलन भरा ये रास्ता है। बकरी की खाल पड़ी हुई है। 1970 से यहाँ दादा के टाइम से रह रहे हैं। 1983 का मेरा जन्म है। यहाँ हम जंगल में हमारे घर हैं। पहले हम चंबा में रहते थे, यहाँ पास में एक नदी पड़ती है, नदी के किनारे हमारे घर हैं। ये नमक खिला रहे हैं इनको, दवाई लगा रहे हैं। ये इसका मेमना। पिछले दो खुरों में दवाई लगाई, फिर कपड़ों से बांध दिए हैं, घास भी रख दिया है। आग जलाने के लिए लकड़ी ले आए। पानी कितने के नीचे सलाया आपने? आधा किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ये ले आए पानी और वो वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे हैं और ये आग जला रहे हैं। ये लो सामान है, देख लो। दवाई है कोई? कीड़े पड़ रहे हैं जंगल में, फिर भाग जा रही हैं आगे पीछे। एक ढूंढ के लाए दूसरी भाग जाती है, रह जाती है। नुकसान बहुत हो रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर है एक बकरी, वो चल नहीं सक रही है। वहीं उसको पानी भी और चारा वहीं डालना पड़ेगा। छोटी वेटनरी में जाना था, वो बोलते हैं फलाने हॉस्पिटल में जाओ, वो बोलते हैं तीसरे में जाओ, टाइम का कोई पहुंच नहीं रहा है। ऐसे में टाइम बर्बाद कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब हमें जाना भी छोड़ दिया है। अच्छा, ऐसी ऐसी बात सुनाई को कर नहीं रहा है, तो फिर पीछे नुकसान हो रहा है। दवाइयाँ भी ऐसे करते हैं, इसको इंजेक्शन को लगा दो, इस इंजेक्शन को लगा दो, इंजेक्शन को पता कोई लग नहीं रहा है। ये कौन किस को लगाना है, कौन किस को साफ से लगाना है, कौन किस वजह से बोल जाते हैं, दूर से सड़क से आते हैं, सड़क से वापस चले जाते हैं। पानी पिलाने चलो, साथ में दवाई रखी है, इसको कैनी में पानी लिया है, इस छोटे बर्तन में पानी डाल के उसको पानी पिलाना है, उसको पट्टी बांधनी है, दवाइयाँ ली हैं मैंने, ये डालनी है दवाई उसके। यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर है। हम जा रहे हैं उस बकरी के पास जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, प्रेग्नेंट है, ना चल पा रही है ना उठ पा रही है, तो यहाँ पे बैठी है। प्रशासन से मेरी यही विनती है कि आप एक बार खुद फील्ड में आके देखिए कैसी हालत है बीमारी से चरवाहों की और इन भेड़ बकरियों की। ये तो बेजुबान जानवर है, देखिए कुछ बोल नहीं सकते, और कैसे इनकी सेवा करनी पड़ रही है इतनी दूर दूर जाके। 3 दिनों से लगातार इनका एक आदमी रात को यहाँ पे इसकी रखवाली कर रहा है। दराट इन्होंने हाथ में ले लिया है और ये चारा लाने जा रहे हैं इसके लिए। तो आप देखिए इतनी बुरी हालत है इस बकरी की, अभी लगाएंगे ये दवाई। अभी हम वेटनरी पॉली क्लिनिक शाहपुर में आए हैं, तो इन्होंने कहा कि ये जो चरवाहे हैं हमारे अंडर नहीं आती इनकी डिस्पेंसरी वगैरह, तो अभी हमें रजौल भेज रहे हैं। वहाँ पे जो हॉस्पिटल है
वहाँ से पहले लिखवा के लाओ, फिर यहाँ से टीम जाएगी, ऐसा कहा इन्होंने। वेटरनरी पॉलीक्लिनिक शाहपुर से हम यहाँ पे आ गए हैं और पर्ची में यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने लिख दिया है। अब यहाँ से हम फिर से जाएंगे शाहपुर वेटरनरी पॉलीक्लिनिक में, तो अभी चलते हैं। हरिओम, आज मैं आ गया हूँ रिडकमार में, शाहपुर से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ जैसे डिस्पेंसरी है, ये वाला रोड चला गया बो वैली को, 7 किलोमीटर है, और ये वाला चला गया सल्ली वैली को, 6 किलोमीटर है। बो तथा सल्ली वैली से जो चरवाहे आते हैं इस पॉइंट पे वो मिलते हैं। यहाँ पे चरवाहों के लिए कैंप लगता है, उसमें दवाइयाँ बांटी जाती है भेड़ बकरियों के लिए, डीपिंग होती हैं, लेकिन कैंप थोड़े दिन ही चलता है। फिर उन थोड़े दिनों में जो चरवाहे यहाँ से गुजरते हैं उनको तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन जब बंद हो जाता है कैंप उसके बाद जो चरवाहे आते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। डिस्पेंसरी के पास मैं पहुँच गया हूँ और ये जो मेरे पीछे आप कमरे देख रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ हम ले आए हैं और डेरे में पहुँच गए हैं। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है रैत, तो पैदल ही निकलना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।